एज अ फोटोग्राफर ये असाइनमेंट मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। शकीला के इंतजार में तो सभी बैठे हैं। नमस्कार, ये है डम एंगल और हम कोशिश कर रहे हैं द डर्टी पिक्चर की तरह ही दिखने वाली एक फिल्म शकीला को डिकोड करने की। पहले सिल्क स्मिता थी और अब शकीला है। इस बार तो नाम भी बदलने की कोशिश नहीं की गई। पता नहीं हम ऐसी मूवीज लोगों को उनके ही हिपोक्रेसी का आईना दिखाने के लिए बनाते हैं या वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने के लिए। इंडिया में कभी भी पॉर्न को मंजूरी नहीं दी गई, पर सॉफ्ट पॉर्न पता नहीं कितने बरसों से पूर्ण भारत का सार्वजनिक गिल्टी प्लेजर रहा है। इनमें से सबसे ऊंचा कद है मल्लू फिल्म इंडस्ट्री यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सॉफ्ट पॉर्न वाली फिल्मों का। हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहने वाली ये फिल्में अब अपनी ही कहानी को ब्लू से वाइट कर रही हैं। डायरेक्टर्स बॉलीवुड फिल्मों के हैं और कहानियाँ साउथ की ब्लू फिल्मों की। इंडिया में हम कॉपी करने का ट्रेंड ऐसा सेट करते हैं कि फिर उसका कोई अंत ही नहीं होता। हॉलीवुड से कॉपी करने का ट्रेंड, अपनी ही मूवी का रीमेक का ट्रेंड, बायोपिक्स का ट्रेंड और अब डर्टी पिक्चर्स के ओरिजिन स्टोरी दिखाने का ट्रेंड। द डर्टी पिक्चर का सक्सेस बहुत सारे पैरामीटर्स पे बेस्ड था, पर शकीला बस एक सक्सेस फार्मूला का रीमेक दिखती है। कहानी 1990s में पॉपुलर एक सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस की है जिसका नाम आज भी कोई इंसान अपनी बेटी को नहीं देना चाहता। शकीला 1994 में आई प्ले गर्ल्स मूवी से अपना डेब्यू करने वाली शकीला बेगम नेलोर की एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में 1957 में जन्मी थी। 16 साल की उम्र में ही अपना डेब्यू करने वाली शकीला ने अब तक 250 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं और इनकी लेगेसी उनके फिल्मों के जॉनर से निर्धारित नहीं की जा सकती। इंद्रजीत लंकेश द्वारा निर्देशित इस मूवी में शकीला का किरदार निभाएंगी ऋचा चड्ढा। उनके अलावा पंकज त्रिपाठी, राजीव पिल्लई और काजोल चुग भी इस फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म को क्रिसमस रिलीज के लिए टारगेट किया जाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कूली नंबर 1 को ये मूवी कितना टक्कर दे पाती है। आज के लिए इतना ही। आपको इस मूवी से क्या उम्मीद है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और प्रीव्यू के साथ।